कन्नौज में गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। नदी किनारे बसे एक गांव की पुलिया डूबने की कगार पर है। ग्रामीणों को सुरक्षित निकालने के लिए प्रशासन ने नाव तैनात कर दी है। नदी का पानी चेतावनी बिंदु से 80 सेंटीमीटर दूर है। गंगा की बाढ़ से निपटने के लिए प्रशासन ने इंतजाम शुरू कर दिए हैं। बता दें कि डीएम सुभ्रांत कुमार शुक्ला ने शुक्रवार को गंगा के बढ़ते जलस्तर और इसके किनारे बसे गांव का निरीक्षण किया, जिसके बाद कन्नौज डीएम ने बाढ़ से निपटने की जिम्मेदारी एडीएम, एसडीएम, तहसीलदार सहित कई विभागों के अधिकारियों को सौंप दी है। उससे पहले डीएम ने बाढ़ आपदा राहत टीम के साथ गंगा के किनारे बसे गांवों का जायजा लिया। उन्होंने आपदा टीमों को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए हैं। डीएम ने बताया कि आसपास के 2 दर्जन से अधिक गांवों को हाई अलर्ट की श्रेणी में रखा गया है। एडीएम, एसडीएम और तहसीलदार के साथ कासिमपुर गांव का निरीक्षण किया गया। डीएम ने ग्रामीणों को समस्या होने पर हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। उन्होंने बताया कि गंगा के किनारे बसे गांवों के अंदर पानी नहीं आया है। बाढ़ से निपटने के लिए सिंचाई विभाग, राजस्व विभाग और आपदा टीम को अलर्ट मोड पर रखा गया है। जरूरत के हिसाब से खाने के पैकेट भी तैयार कर लिए गए हैं। बाढ़ की स्थिति में लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का इंतजाम भी कर लिया गया है। प्रशासन बाढ़ से निपटने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। हमारे जनपद कन्नौज में आज की जो 14 जुलाई की स्थिति है वो ये है कि अभी से अभी लगभग 80 सेंटीमीटर ये गंगा जी अभी नीचे हैं, लेकिन चूंकि नरौरा में ऊपर जो है पानी छोड़ा गया है, तो हम लोग पूरी यहाँ पे लोगों को जागरूकता कर रहे हैं, सावधानी बरतने के लिए निर्देश दे रहे हैं और अपनी जो भी आवश्यक तैयारी है हम लोग उसकी तैयारी कर रहे हैं। नाव की व्यवस्था है और अगर कहीं कोई समस्या है तो उसका हम लोग कैसे अटेंड करेंगे, हम पूरी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन अभी कोई ऐसी बाढ़ की स्थिति नहीं है। एहतियातन जो राजस्व विभाग के, पुलिस विभाग के, सिंचाई विभाग के और अन्य संबंधित विभागों के, हमारे ग्राम पंचायतों के सरकारी जो कर्मचारी हैं उनको एक निर्देश दे दिया गया है कि अपना क्षेत्रों में जाएं, भ्रमणशील रहें और कहीं कोई स्थिति और जब बाढ़ की उत्पन्न होती है तो हम लोग उसमें राहत बचाव कार्य का समय से सुनिश्चित करें। सर अभी कितना लेवल नीचे है, कितने सेंटीमीटर? अभी 80 सेंटीमीटर अभी तो डेंजर मार्क से भी नीचे है। और यहाँ पे ये वो जो स्थान है जहाँ हम लोग, ये कासिमपुर कच्ची जो विलेज है, यही मुख्यतः प्रभावित होता है, जहाँ पे 15-20 आवास यहाँ पे लोग बना के रहते हैं, तो इसमें जल भराव की स्थिति हो जाती है। हालांकि ग्राम पंचायत में हरदोई जनपद के कतिपय भूमि के अंश में इनको एक मकान की वहाँ पे पूरी व्यवस्था है, लेकिन चूँकि यहीं पर लोग रहते कानपुर के